भारत ने कई विदेशी शासकों और राज्यों को अपनी धरती पर स्थापित होते देखा है। यूरोपियन देशों की हमेशा से भारत में रुचि रही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1642 में स्थापित की गई और कार्डिनल रिशेल्यू परिचारक के पद पर नियुक्त किए गए। कंपनी का 1664 में जियां बैटिस्ट कोलबर्ग की अध्यक्षता में पुनर्निर्माण किया गया। 1668 में फ्रांसीसी भारत पहुंचे और फ्रांसीसी साम्राज्य को भारत के कई हिस्सों में स्थापित किया, जिसमें पौंडिचेरी, यनम, चंदननगर, करैकल और माहे उनके राज्य के अभिन्न अंग थे। फ्रांसवा केहोन, जो कि फ्रांसीसी कमिश्नर थे, उन्होंने भारत में व्यापार का अभियान 1667 में शुरू किया और 1668 में मुगल शासक औरंगजेब की अनुमति के बाद सूरत में पहले फ्रांसीसी व्यापार के लिए कारखाना स्थापित किया गया। सूरत में उस समय डच की पकड़ भी मजबूत थी, ऐसे में फ्रेंच को डच से संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद 1669 में कोरोमंडल कोस्ट में स्थित मौसलीपट्टम में गोलकोंडा सल्तनत के राजा की अनुमति के बाद दूसरा फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया। फ्रांसीसी ब्रिटिश और डच की तरह प्रारंभ में अधिक प्रभावशाली नहीं थे, उन्हें लगातार डच और ब्रिटिश से पराजय मिल रही थी। 1720 तक फ्रांसीसी अपने सारे कारखाने अंग्रेजों से हार गए, जबकि 1674 में फ्रांसीसियों ने पौंडिचेरी को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया, जो आगे चलकर फ्रांसीसी राज्य की राजधानी बना। 1721 में फ्रांसीसियों ने अपनी नीतियों में कई बदलाव किए, जिसका उन्हें लाभ मिला। फ्रांसीसियों ने व्यापार का केंद्र तंबाकू उत्पादन में लगाया, जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्निर्माण किया। पियर बिनवा डुमा, जो कि पौंडिचेरी के 1735 से 1740 तक फ्रांसीसी गवर्नर रहे, फ्रांसीसी भारत को सशक्त बनाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक प्रभावशाली राजनेता के साथ वो एक कूटनीतिक भी थे। उन्होंने भारत की राजनीति को अच्छे से भांपा और मराठा के विपरीत खड़े हुए, जिसकी वजह से मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला ने उनको 1736 में फ्रांसीसी व्यापार के बढ़ावे के लिए फ्रांसीसी मुद्रा बनाने की अनुमति दे दी और इसी के साथ पहली बार भारत में फ्रांसीसी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। पौंडिचेरी, यनम और करैकल कोरोमंडल तट के राज्य, माहे मालाबार तट का राज्य और बंगाल का चंदननगर फ्रांसीसी शासन के अधीन हो गए। फ्रांसीसियों ने इन राज्यों में कई आर्थिक बदलाव किए और साथ ही अपनी राज्य मुद्रा का भी प्रचलन किया। प्रारंभिक दौर में केवल सिक्कों को बनाया गया। फ्रांसीसी शासन के सिक्कों का प्रचलन फ्रांसीसी शासित राज्यों में राज्य मुद्रा के रूप में किया जाता था। उस वक्त फ्रांसीसी इन्हें तांबे और चांदी में बनवाते थे, क्योंकि उनका मूल्य सोने से कम होता था। एक फ्रांसीसी सिक्के को 8 फैनून में बांटा गया था, वहीं एक फैनून को 3 दुदू में या 20 कैश में विभाजित किया जा सकता था। ये उस समय चल रही मुद्रा प्रणाली का फ्रांसीसी रूप था, जहां एक फैनून एक फनम, एक दुदू और एक कैश एक कासू के समान था। फ्रांसीसी विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलन में लाए। इनका मूल्य फ्रांसीसियों द्वारा बनाई गई प्रणाली के अनुसार था। एक रुपये का चांदी का सिक्का, जिसका भार लगभग 11.7 ग्राम होता था, इसकी बनावट मुगल शासक मोहम्मद शाह के बनवाए गए 1 रुपए के सिक्के के जैसी थी। चांदी में ही आधा फैनून, एक फैनून और 2 फैनून मूल्य के सिक्कों को बनवाया गया। साथ ही एक दुदू, आधा दुदू और 2 दुदू के सिक्कों को भी तांबे और पीतल में बनवाया गया। इनके अलावा एक कैश के तांबे के सिक्कों को भी बनवाया गया। उस दौर में एक फ्रांसीसी रुपी के सिक्के से एक परिवार महीने भर का खाने का सामान आराम से ले सकता था। इन सिक्कों को फ्रांसीसियों के भारतीय राज्यों पर प्रभाव के रूप में भी देखा जा सकता है। दुदू सिक्के पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य मोहर थी। गैलिक रूस्टर, जो कि पेरिस में पाया जाने वाला एक पक्षी है, उसे अग्रभाग में अंकित किया गया था। वहीं पृष्ठभाग पर पुदुचेर अंकित किया गया था। कुछ फ्रांसीसी सिक्कों पर मुगल शासक अहमद शाह बहादुर आलमगीर द्वितीय और शाह आलम के परिचित्र अंकित किए गए थे। ये फ्रांसीसी और मुगलों के कूटनीतिक रिश्तों की ओर संकेत करते थे। फ्रांसीसियों ने इन सिक्कों की टकसाल माहे और पौंडिचेरी में 18वीं शताब्दी में स्थापित की। 1871 के बाद पहली बार फ्रांसीसी कागज के बने नोट को मुद्रा के रूप में प्रचलन में लाए। इन नोटों पर फ्रांसीसी बैंक बैंक दो लंदोशीना का नाम रेखांकित किया गया था और साथ ही इन पर फ्रांस की राज्य मोहर लगाई जाती थी। नोटों को विभिन्न मूल्य में लाया गया। इनकी बनावट आज के नोटों से कहीं अधिक बड़ी होती थी। आज के 100 रुपए के नोट से 1.5 गुना अधिक, परंतु इनका मूल्य आज के भारतीय नोटों की तरह बनाया गया था। 1, 10, 20, 50 और 100 फ्रेंच रुपी तक के मूल्य के नोटों का प्रचलन हुआ। फ्रांसीसियों ने इन नोटों को सिक्कों के बदले प्रचलित किया। उस समय उपयोग किए जा रहे राज्यों के सिक्कों से बदल कर इन्हें लिया जा सकता था। ये आज के आधुनिक दौर में उपयोग की जाने वाली प्रणाली के समान था, जैसे कि एक देश की मुद्रा से दूसरे देश की मुद्रा को उसके मूल्य अनुसार बदला जा सकता है। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और भारतीय गणराज्य का गठन हुआ।
सरकार ने भारतीय रुपया को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में घोषित किया। ऐसे में सभी रियासतों की मुद्रा को निष्कासित किया गया था, परंतु कुछ राज्यों में जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, पोर्चुगीज शासित राज्य और फ्रांसीसी शासित राज्य की राज्य मुद्रा का प्रचलन बंद नहीं किया गया। फ्रांसीसी शासित क्षेत्रों में फ्रेंच इंडियन रुपी का ही प्रचलन रहा। इनका मूल्य भी भारतीय रुपी के बराबर रखा गया। उस समय एक रुपए का मूल्य 16 आने रखा गया, जो उस दौर में रुपी का मूल्य तय करने वाली प्रणाली थी। आगे चलकर भारतीय सरकार ने मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन किया और एक रुपी को 100 पैसे में विभाजित किया। 1947 की स्वतंत्रता का प्रभाव फ्रांसीसी शासित राज्यों पर भी पड़ा और इन राज्यों में भी स्वराज्य आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई क्षति से फ्रांसीसी शासन पहले से ही कमजोर पड़ने लगा था। ऐसे में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करना उनके लिए कठिन हो गया था। चंदन नगर 1954 में, वही पौंडीचेरी, करैकल, यनम और माहे 1963 में फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्र हुए, साथ ही भारतीय सरकार के शासन में आए। इसके साथ लगभग 200 साल तक चले फ्रांसीसी शासन का अंत हुआ। साथ ही कई दशकों से चल रही मुद्रा फ्रेंच इंडियन रुपी को भी बंद कर दिया गया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.